सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रिमझिम पाठ्यपुस्तक के पाठ 9, जिसका शीर्षक है बुलबुल का पाठ, पढ़ेंगे। बुलबुल एक चिड़िया का नाम है। ये देखो बच्चों, ये कौन है? ये तो एक तोता है। इसको पहचानने के लिए हम क्या क्या देखेंगे? इसका रंग कैसा है? इसकी चोंच कैसी है? चोंच का रंग कैसा है? ये क्या खाती है? कैसे बोलती है? किस तरह से ये उड़ती है? है ना? और ऐसे ही ये कौन है? ये तो एक प्यारी सी बुलबुल है। तो देखो, ये दिखने में तो चिड़िया जैसी ही है। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इसके नाम बुलबुल ही है? इसके लिए देखेंगे कि ये बोलती कैसे है। देखा ना, कितना प्यारा बोलती है। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें जानेंगे हमारे आज के इस पाठ में, जिसका नाम है बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल भी कहते हैं। कलगी मतलब मुकुट जैसा, है ना? ये देखो, ये कैसे बुलबुल के सिर पर है, इसे कलगी कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधे की पतली डंडों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ बुलबुल यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।